मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। राम रटत कन्या भली साकेट बलोन पूते, छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध ना मूते। राम रटत दारी दर भलो टूटी गर की छाने, वो कंचन मैल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो चूचू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नहीं नाम। कबीर जिभ्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। ये मानव शरीर परमात्मा ने हमें कल्याण कराने के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया है। इसका यथार्थ ज्ञान ना होने से हम दुरुपयोग करते रहे, केवल इससे अपने निर्वाह के लिए ही इसका प्रयोग करते रहे। जो क्रियाएं हम भक्ति को छोड़कर, सत्साधना को छोड़कर अन्य जो क्रियाएं करते हैं, वो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, सभी प्राणी करते हैं। तो मनुष्य में और अन्य प्राणियों में फिर भिन्नता क्या रही, क्या आवश्यकता थी इस मनुष्य जीवन की? पुणात्माओं, ये मनुष्य जीवन केवल ये कोठी बंगले फैक्ट्री लगाने के लिए बनाने के लिए नहीं मिला था। परमात्मा आए स्वयं पूर्ण ब्रह्म और बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर 120 वर्ष तक यहाँ रहे। एक झोंपड़ी में, एक हट के अंदर उन्होंने अपना गुजारा किया। सारे ब्रह्मंडों के दाता, सतलोक के मालिक, सचखंड के निवासी, सर्व सुख संपन्न देश है वो सतलोक, और उसको छोड़कर अपने बच्चों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए वो परमात्मा यहाँ आए। और उन्होंने एक ट्रायल करी, एक रिहर्सल किया, एक उदाहरण दिया, उदाहरण पेश किया उन्होंने कि यहाँ पर तुमने ऐसे रहना चाहिए, इससे अधिक यदि तुम धन जोड़ने के लिए प्रयत्न करते हो तो ये तुम्हारी अज्ञानता है। गर तो साढ़े तीन हाथ गणा तपौने चारे, कह कबीर अधिका गह ताको नहीं विचार। ये अब प्रत्येक प्राणी, मनुष्य शरीरधारी का, प्रत्येक प्राणी का शरीर साढ़े तीन हाथ का, उसके अपने साढ़े तीन हाथ का होता है। तो परमात्मा कहते हैं यदि आपने एक कोठी बना ली, ऊपर नीचे तीन मंजिल बना दी और चार पांच कमरे एक मंजिल में हैं, 15-20 कमरे आपके पास हैं, कक्ष हैं, तो उसमें कहाँ सोते हो आप? एक कक्ष में एक चार पाई जो 3x6 की होती है, उसको किसी कोने में डाल ले उस कक्ष के कमरे के, बाकी कोठी व्यर्थ है। तो पुण्यात्माओं, हम जीव हैं, हम देखा देखी करते हैं गलतियां, और वो पीव थे, सर्व संपन्न होते हुए भी कभी भी डगमग नहीं हुए, एक झोंपड़ी में आजीवन रहे। वो ये दिखाना चाहते थे यदि तुमने कल्याण कराना है तो यहाँ की सब आवश्यकताओं को मिनिमाइज करो, बहुत कम बनाओ, कम करो, और ये अननेसेसरी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अनावश्यक जो आपकी आवश्यकताएं हैं,
ये आपके भक्ति में बाधा है, ये टेंशन पैदा करती हैं, और टेंशन से भगवान की भक्ति नहीं बनती। आप ये देख करके कि उसने ऐसी कोठी बनाई, मैं भी ऐसी बनाऊँ, उसने इतना पैसा कमा लिया, मैं भी कमाऊँ, आपने परमात्मा पाने के लिए परमात्मा कबीर जी द्वारा दिए गए उदाहरण, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बना कर कदम रखना पड़ेगा, तब हम सफल हो सकते हैं। नहीं तो ठीक है, जैसा आप भक्ति करोगे वैसा फल आपको मिल ही जाएगा, लेकिन ये फल आपका यहीं बर्बाद हो जाएगा। स्वर्ग में चले जाओगे इस काल के होटल में, वहाँ अपनी पूंजी व्यर्थ करके आपकी आंखें नहीं खुलने देगा, फिर ये इतना सुख दे देगा ऊपर स्वर्ग लोक में। जिस झूठे सुख को आप सुख मानते हो, ये सुख स्वर्ग में सबसे ज़्यादा है। बकवादियाँ करना, सुंदर सुंदर औरतें, शराब पीना, सारी सुविधाएँ, काजू किस्मत सेब संतरे, बड़े सलूट मारनी है, वहाँ नरे मिलेंगे, लेकिन वो होटल है, रेस्टोरेंट है, और वहाँ आपकी पूंजी व्यर्थ होती है। जो यहाँ आपने धन कमाया था वो वहाँ व्यर्थ करवा के फिर वहाँ से धक्के मार देंगे तुम्हारे, और फिर नरक में ठोक देगा। कबीर परमात्मा ने हमें ये सारा जाल काल का समझाया है। तो हमारा उद्देश्य है, यदि आप जी बरवाला आश्रम में आते हो, ठीक है, पहले तो पुण्यात्मा दुख निवारण की ही इच्छा करते हैं, उसके साथ साथ फिर उनको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। ये समर्थ परमात्मा है कबीर जी, और ये सब कुछ कर सकते हैं, आपके सर्व कष्टों का निवारण भी कर देंगे। लेकिन जब आप सुखी हो जाते हो, परमात्मा से दूर हो जाते हो, ये एक ऐसी हमारे अंदर एक बुराई है या कमी है, त्रुटि है। हम सतलोक में थे और सतलोक के अंदर हमारे को कोई असुविधा नहीं थी, सारे सुख भगवान ने दे रखे थे कबीर परमेश्वर ने, सत्य पुरुष ने। उस सुख में हम परमात्मा को भूले थे और इस काल को चाहने लग गए थे। ये तपस्या कर रहा था खड़ा होकर के, हम भगवान को भूलकर इसको चाहने लग गए। भगवान ने, परमात्मा कबीर जी ने बहुत बार हमें संकेत किया, लेकिन हम बाज नहीं आए, हम परमात्मा के दिल से उतर गए। उन्होंने हमें हृदय से रिजेक्ट कर दिया, और फिर हम इस काल के साथ यहाँ इसके लोक में आ गए। इसने तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर रखे हैं, और हम वैसे लटक कर आ गए इसके साथ में। अब इसने हमारे साथ वो प्रतिशोध किया है, क्योंकि इसने वहाँ गलती की थी। परमेश्वर कबीर जी ने इसको वहाँ से निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था, इंक्लूडिंग ऑल ब्रह्मांड, इसके सारे ब्रह्मांड दे करके बाहर निकाल दिया था 21 के 21। और हमने जो गलती की थी, हम इसकी साथ सब इच्छा से आए थे, हम भगवान भूल गए उस सुख में, और उसके बाद कितने कैर हो रहे हमारे ऊपर। पुण्यात्माओं, ये दंत कथा मत समझना, क्योंकि आज तक आपने केवल सिंपल कथाएं सुनी है रामायण और महाभारत की, आप उनको सत्य मान रहे हो। सत्य तो हैं वो, जिस सत्र की है वो घटना ऐसी घटी है, लेकिन ये जो कथा है ये वो अमर कथा है, अनमोल कथा है, ये वो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, जो अभी तक किसी के पास नहीं था। परमात्मा ने कहा था, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की दबार ना जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पर ही, बिजली पीढ़ी हंस नीतर ही, मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो पुण्यात्माओं, आप जी ये ना सोचना कि वैसे कथाएं हैं, ये सच्ची कथाएं हैं, हम वहाँ रहते थे, हम यहाँ के नहीं हैं। आज आप विचार भी करना चाहिए, जोर देना चाहिए बुद्धि पर, क्योंकि काल ने इतना प्रेशर बना रखा है कि जीव इतनी देर सोच नहीं सकता, उसी समय इसको कोई समस्या याद आ जाती है, कोई और बकवाद याद आ जाती है, इस तरह भूल जाता तो हट जाता है ये मन वहाँ से। तो हमने इस बात को गहराई से सोचना पड़ेगा। आज आप समझते हो मुझे सब सुख है, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनके भी संतान हो गई है, बढ़िया मकान है, खूब बढ़िया व्यवस्था है, और कल मृत्यु हो जाती है आपके पुत्र की, टक्कर मार कर रो रहा प्राणी, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपका क्या है यहाँ पर।
तो पुण्यात्माओं इसको गहराई से सोचना पड़ेगा, तभी ये ज्ञान समझ में आओगा। यदि आप बरवाला आश्रम में आते हो तो मोक्ष को उद्देश्य मान कराना, केवल यहाँ संकट निवारण के लिए ही नहीं, यहाँ कोई झाड़े लाने वाली व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर मोक्ष उद्देश्य मानकर आना, फिर आपको सर्व सुख होगा और उस सुख में फिर आप भूल ना जाना परमात्मा को पुनः। इसलिए ये याद दिलाई जाती है कि हम कहाँ मार खाते हैं, काल का दाव कहाँ लगता है। तो परमात्मा ने हमें याद दिलाया आकर के कि ये मानव शरीर जो आपको मिला है, इसका मूल उद्देश्य भक्ति करके परमात्मा पाना है, अन्यथा क्या बताते हैं, जिव्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। परमात्मा कहते हैं जीव, ये जिव्या तो वाए अच्छी, इसका सदुपयोग यही है कि इसे भगवान के गुण गावे, परमात्मा की नाम जपे। यदि भक्ति नहीं करता है प्राणी, तो कितनी उपमा दी है परमात्मा ने कि इससे अच्छा फिर तो अब जीभ की जरूरत नहीं, मुंह में चाम अच्छा नहीं होता, इसको काट के फेंक दे इससे अच्छा था। अब ये ना समझना कि मालिक कहते हैं काट के फेंक दो, नहीं, इसका गहराई से सोचो कि इसका सदुपयोग करो, उनका उद्देश्य कहने का ये है। अगर तुम भक्ति नहीं करते तो इस जुबान का कहाँ प्रयोग करते हो। जैसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, और दुर्बल व्यक्ति को इस जुबान रूपी तलवार से ऐसा जख्म कर देता है, ऐसे कुशब्द बोल देता है, वो दुर्बल व्यक्ति रोता रहता है, आत्मा से वो चिल्लाता, अंदर अंदर उसकी कसक रोता रहता है, आत्मा बद्दुआएं देती है उसको, तो कहते हैं इत प्राई आत्मा और जीभ बांध तलवार। परमेश्वर बताते हैं कि तुम सदुपयोग ना करके जुबान का, जीभ का दुरुपयोग करते हो, दूसरों की आत्मा को चोट पहुंचाते हो, और कहीं किसी की झूठी गवाही दे देते हो, या कोई सारा दिन अपने पेट के लिए सो झूठ बोलते हो, सो हेरा फेरी करते हो, इसे ऐसे रागनी गाते हो, गाने गाते हो, तो ये दुरुपयोग कर रहे हो आप इसका, केवल टेस्ट करते हो, स्वाद नारे नारे लेते हो जिव्या से, तो इसका केवल इतना ही उद्देश्य नहीं था। इसका मूल उद्देश्य है परमात्मा के गुणगाना और राम का नाम रटना है। फिर परमात्मा क्या बताते हैं, मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिरे बनवाया क्या काम। परमात्मा कहते हैं मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब जैसे जिस कूप में जल नहीं है उसका नाम कूप अवश्य है पर गुण कूप के नहीं, इसी प्रकार मनुष्य जीवन आपका है, यदि आप सत भक्ति करते हो तो मनुष्य के गुण हैं, अन्यथा मनुष्य के गुण नहीं, परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य जो क्रियाएं वो सभी पशु पक्षी भी करते हैं, तो मनुष्य का जीवन उन्हीं के तुल बताया परमात्मा ने। क्या बताते हैं भगवान, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
तीन लोक और भवन चतुर्दशी, तीन लोक और भवन चतुर्दशी, सब जग सौदे आही रे संतो यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हु मूल गवाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो ये सौदा फिर नाही। फिर क्या बताते हैं, योदम टूटे पिंडा फूटे, योदम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगा माही रे संतो यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। जा दिन की मोए डरनी लागे, जा दिन की मोए डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पाय कर, नर नारायण देह पाय कर, तो फेर चुरासी जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। फिर वेद पांध फिर पंडित आए, पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। फिर पीछे तू पशुआ की जय, फिर पीछे तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। ये छप्पन भोग कहाँ मन बोरे, छप्पन भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरने जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। प्रेतशिला पे जा बिराजे, प्रेतशिला पर जा बिराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। बहुर सराद खान को आए, बहुर सराद खान को आए, फिर काग बहे कल माही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप ना छाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अपनात्मा आपका सौभाग्य है, आप जी को ये वचन सुनने को प्राप्त हुए हैं। अपनात्मा जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं आते, तब तक हम केवल व्यवहारिक बातें ही सुनते हैं समाज संसार से, और वो केवल एक उदर पूर्ति का ही ज्ञान होता है, वो केवल उदर पूर्ति का ही जानकारी होती है, वो परमात्म ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान नहीं। और आत्म ज्ञान बिना भक्ति की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, हम अपना जीवन व्यर्थ कर जाते।
पुण्यात्मा, ये जो परमात्मा की वाणी आपको सुनाई है इसको बहुत गहराई से सोचना है। इसके विषय में कहा कि ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कृपाणन की है। इनको केवल सुनने तक और कहने सुनाने तक सीमित ना रखना। अब इसमें कितनी गहरी बात बताई है कि ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। अब फिर क्या बताया कि लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदा आही, भाई दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी किस सौदे के लिए आया हुआ है? जैसे आप जी किसी दूसरे शहर में जाते हो, दूर देश पहुंच जाते हो व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए 2-4 लाख रुपए साथ ले जाते हो, और वहां जाकर के आपने किसी धर्मशाला में या रेस्टोरेंट में कमरा बुक करा लिया। यहाँ तक तो उद्देश्य था सही, आपने जो क्रिया की बिल्कुल ठीक की। आगे वहाँ जाकर के उस पूंजी से जो आप मूलधन लेकर गए थे उससे आपका उद्देश्य था कि व्यवसाय करूँ और उसके दुगने तिगने चौगने करूँ, 4 लाख के 12 लाख बनाऊँ, दुगने करूँ 8 लाख बनाऊँ, तो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए था। अगर ऐसा करते हो तो आप सही उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हो। यदि ऐसा नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जैसे 4 लाख रुपये कोई लेकर गया, रेस्टोरेंट में कमरा बुक करा लिया और खावे पीवे सो जावे, घुट्टी लावे फिल्म देखे, बढ़िया माल खावे और सो जावे, सारा दिन इधर उधर सैर सपट्टे करता रहे, तो उसकी जो मूल पूंजी थी वो नाश हो रही है, प्रतिदिन घट रही है। और आगे उसका बिजनेस है नहीं, कोई व्यवसाय कर नहीं रहा, तो एक दिन वो 4 लाख रुपए उसके नष्ट होंगे और वो कंगाल होकर के उसको रेस्टोरेंट वाले भी धक्का मार देंगे, बाहर निकाल देंगे। वो निर्धन हो गया, वो कंगाल हो गया। उस पूंजी से उसने दुगने तिगने करने थे, चौगने करने थे, तो वो सेठ बनता, साहूकार कहलाता। आप जी यहाँ आए हो श्वास रूपी पूंजी लेकर, मनुष्य जीवन के जो श्वास है इसकी बहुत कीमत है। परमात्मा कबीर साहब जी कहते हैं, कहता हूँ कही जात हूँ कहूँ बजा के ढोल, और श्वास जो खाली जात है भाई तीन लोक का मोल। एक मनुष्य जीवन के श्वास की इतनी कीमत है, तीन लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इतना इनकी कीमत भी इतनी, इतना कीमत है इनके बराबर, इसकी कीमत समझ लो एक श्वास की। और हम इसका सदुपयोग ना करके दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इतनी पूंजी हम बर्बाद कर रहे हैं। इतनी वैल्यू है एक मनुष्य के श्वास की। मनुष्य का जीवन श्वासों से निर्धारित है, और हम इसका सदुपयोग ना करके कितना व्यर्थ करें। तो क्या बताते हैं, ये सौदा करना था अपने श्वासों की, जो सिमरण करना था, जिह्वा से भी जाप करना था, परमात्मा का नाम रटना था, ऐसा ना करके हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कहते हैं, लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, जैसे लोहे को गर्म कर देते हैं भट्ठी में और कारीगर उसको तुरंत निकाल करके उसके ऊपर चोटें मारता है, और उस गर्म गर्म पर चोट मार के वो जो चाहे सो बना सकता है, जिस उद्देश्य के लिए गर्म किया गया वो लोहा। और यदि वो तुरंत चोट नहीं मारता है, कुछ ठंडा हो जाता है, तो उसके ऊपर से सारे गन्ने झाड़ ले, उसका कुछ नहीं बने, फिर लोएगा क्योंकि वो ठंडा हो गया, बांगा टेढ़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही ये मनुष्य जीवन जब तक आपके पास है तो आपका लोहा गर्म है, इसमें राम नाम की चोट मार लोगे तो आप इसका उद्देश्य पूर्ति कर लोगे।
अन्यथा फिर बांगा टेढ़ा हो जाएगा, ठंडा होकर के कुत्ते गधे सुअर के मुख मिलेंगे आपको, ये सुंदर शरीर मनुष्य वाला नहीं प्राप्त होगा। इसी को पुनः भी प्राप्त करने के लिए तो भी आपने भक्ति ही करनी होगी, और जिस समय आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप तो इस मनुष्य जीवन को यहाँ प्राप्त नहीं करोगे, इसको प्राप्त करने का उद्देश्य सतलोक में होगा, जहाँ फिर कभी मृत्यु ना हो। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर मेहर है परमात्मा की, आपको ये अमर कथा, ये अनमोल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान जो अभी तक छुपा रखा था आपको प्राप्त हो रहा है। आपके लिए खजाना दाब रखा था भगवान ने, कबीर भगवान ने, और आपके ऊपर मेहर बख्श दी कि आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है। आप यहाँ अपने परिवार को अपना मानते हो, ये आपकी नहीं, ये काल की भूल भुलैया है। आप जीव संज्ञा के अंदर हैं, आपके ऊपर इतना दबाव दे दिया काल भगवान ने तीनों गुणों के, त्रिगुणमयी माया के द्वारा, के जीव के बस का नहीं है ये। ये तो परमात्मा ने इसको विधि बताई है, इससे एंटीबायोटिक बताई है इसका, सिमरण करने से, सतनाम का सिमरण करने से, सच्चे नाम का। सतनाम सतनाम कोई जाप नहीं है, और ये ज्ञान सुनने से फिर आपके ऊपर ये प्रेशर कम हो जाएगा काल का। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, ये लोहे के साथ ताव मनुष्य शरीर का आपका जा रहा है। और कहते तीन लोक और भवन चतुर्थ सब्जक सौद आही, ये सब मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी सौदा करने के लिए आए हुए हैं। और कहते दुगने तिगुने किए चौगने किन्हों मूल गवाई, पुण्यात्मा है समझदार है, जिनको ज्ञान हो गया उन्होंने तो दुगना तिगना चौगुना कर लिया इस मनुष्य जीवन से। और किन्हू मूल गवाही, जो सद्भक्ति नहीं करते या भक्ति बिल्कुल नहीं करते, उन्होंने तो अपनी मनुष्य जीवन की ये धन, ये मूल पूंजी नाश कर लिया। किन्हू मूल गवाही, अपुणात्मा जो भक्ति नहीं करता वो तो अपना जीवन नाश कर ही रहा है, और जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना पूजाएं करता है, नकली गुरुओं से साधना, नकली नामों का जाप कर रहा है, वो भी अपना जीवन नाश कर रहा है। वो उसी के तुल्य है जो भक्ति नहीं कर रहा है। एक रोगी है, औषधि नहीं खा रहा है, उसका तंदुरुस्त होने की मृत्यु है, और दूसरा रोगी औषधि खा रहा है, नकली खा रहा है, तो उसकी भी मृत्यु डेफिनेट है, उसका ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे ही नकली गुरुओं से, इन झूठे गुरुओं से उपदेश प्राप्त करके प्राणी, और इन गलत नामों का जाप करके अपना जीवन नाश कर रहा है, तो दोनों ही एक जैसे हैं, वो अंत दोनों का वही होगा। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने मेहर करी अपने ऊपर, स्वयं आए, अपनी जानकारी आप देकर गए, यथार्थ मंत्र बता दिए कि ये नाम जाप करो, लेकिन पूरे गुरु से लेकर, ये नकली गुरुओं से बात नहीं बनेगी। जिस समय परमेश्वर आए थे कलयुग में, कबीर परमेश्वर जी, उस समय उनके 64 लाख शिष्य हो गए थे, 64 लाख। आज किसी के 2 करोड़ शिष्य हैं, 3 करोड़ शिष्य हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मीडिया का माध्यम है, और उन्होंने 200-200, 150-150 वर्ष हो गए लगातार चलते आने। जब परमात्मा आए, भारतवर्ष की आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा रहे थे, और उसमें भारतवर्ष की बहुत बड़ी सीमा थी, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इराक, ईरान तक, ये सब भारत ही था। और उस समय सारा मिलाकर 4 करोड़ आबादी नहीं थी, और उसमें से 64 लाख शिष्य बनना हिंदू और मुसलमान, ये कोई बालकों वाली बात नहीं है, वो समर्थ शक्ति थे। तो हम शिष्य क्यों बने थे, उसमें ज्ञान तो कोई समझे नहीं था। हम शिष्य क्यों बने थे कि परमात्मा ने हमें सुख दिए थे, हमारे ऊपर कैर टूट रहे थे पाप कर्मों के, वो मालिक ने ठीक कर दिए थे कबीर भगवान ने, तो हम उनको गुरु मानने लग गए थे। ये दयालु हैं,
इन पे हमारा दुख देखा नहीं जाता, लेकिन हम इतने बुद्धिहीन बना दिए इस काल भगवान ने, हम पहचान नहीं पा रहे अपने दाता ने, और उसको ना पहचान कर हम अभी तक भटक रहे हैं या कष्ट उठा रहे हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा के, दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। किसी ने तो इसके दुगने तिगने चौगने बना लिए, किसी ने इसका मूल धन ही नष्ट कर दिया। परमात्मा हमें ये याद दिलाने आए थे कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, और तुम सतलोक में रहा करते थे। यहाँ पर काल भगवान ने आपके ऊपर इतने कवर चढ़ा दिए, सथूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर, फिर कवल्य शरीर, और उसके अंदर आपका ओरिजिनल शरीर है। तो आपको फिर ये ऐसा शरीर दे दिया, इसमें कदे बीपी आई, कदे लो हो जा, कभी कोई बीमारी, कोई टेंशन होगी, तो हर समय आपको पीड़ित रखता है। इसलिए हम उस परमात्मा को पहचानने में सफल नहीं हो पा रहे। अब हम पहचानेंगे भगवान को, क्योंकि समय आ गया है आपके ऊपर मेहर करी परमात्मा ने। जिस ज्ञान को अभी तक छुपा रखा था वो आपके ऊपर बरसा दिया भगवान ने, और थोक के बाका बरसा दिया। एक महीने में दो दो सत्संग, तीन तीन दिन के, और आप जी को फिर वहाँ से जमानत भी परमात्मा ही करवा के लाता आपकी। ये ना सोचना कि आप स्वयं आ पाओगे यहाँ पर, इधर आपका मुख भी नहीं करने दे ये काल, ये सत्कर्मा लेना, और चाहे कहीं चले जाओ, ये खुश रहता है। किसी राधा स्वामी में देखो करोड़ों से धन, सतगुरु में देख लो लाखों करोड़ों से हैं, वहाँ बेशक जाओ, पर यहाँ आने से पहले सौ बाधाएं पैदा करने की चेष्टा करता है। उसको पता है कि वो तो अपने ही हैं, पंथ हैं, काल के ही पंथ हैं वो तो, ना वहाँ नाम है ना उनका ज्ञान है, दुनिया को काल के जाल में फंसा के बैठा रखा है, और यहाँ आने से उसकी पोल पाटे सारी। तो यहाँ आपको परमात्मा लेकर आते हैं, आपकी जमानत करा के लाते हैं कि तीन दिन की जमानत, चार दिन की जमानत करवा ले। काल की कैद है या इस कैद में हम अपना वो कर्म भोग रहे हैं जो हमें सजा मिली हुई है, और वहाँ से तीन दिन की छुट्टी करा के लाओ, आपकी यह जमानत पा रहे हो आप, ये समझ लेना। यहाँ कोई काम नहीं, पग परमात्मा के नाम के सिवा दूसरी बात नहीं, और यहाँ कर भी कोई और बात चलाता है तो महा अपराधी प्राणी है। कहते सत्संग के माँ आके कोई बात चलावे और, तीस अपराधी आत्मा को तीन लोक नहीं ठोर। तो यहाँ आप आते हो, भगवान की चर्चा करते हो, किसी से आप सुनते हो, किसी को सुनाते हो, नए को अपना दुख जो भगवान ने सुनवाई की आपकी वो बताते हो, अनुभव बताते हो। तो ऐसे सारा दिन आपका मालिक की चर्चा में जाता है, यहाँ कोई टेंशन नहीं। और पुण्यात्मा सतलोक में ऐसा ही है, वहाँ कोई काम नहीं है आपको, वहाँ निष्कर्म मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, बिना काम के वहाँ फल खाने को मिलता है, भरे भंडार हैं भगवान के, कोई उसमें कमी नहीं। तो यहाँ आप आते हो, आप यहाँ आते हो अपना कुर्ता पजामा लेकर आते हो, बाकी सारी सुविधा परमात्मा ने दासों के माध्यम से आप पुण्यात्माओं के लिए करवा रखी है, और यहाँ कर भी इसका सदुपयोग नहीं करते हो, भक्ति नहीं करते हो, चर्चा भगवान की छोड़, रिश्तेदारी की बतलाते हो, तो तुम भक्त नहीं हो, तुम धोखा दे रहे हो अपने आप को भी। ठीक है, दो चार मिनट कोई बातें करनी भी पड़ जाए रिश्तेदारी की, गृहस्थी की, वो दस से पाँच मिनट की होती है, बाकी नहीं घसीटे उन्हें, घना लंबा चौड़ा नहीं बनावे, शेष समय में अपना भक्ति करे, नहावे धोवे, प्रसाद पावे, सत्संग सुने, शेष समय में माला ले अपने हाथ में, या पुस्तक पढ़े, परमात्मा का ज्ञान आपको अनमोल खजाना बना के दे रखा पुस्तकों में, उसको बार बार पढ़े, बार बार पढ़े, जितनी बार पढ़ोगे उतना आनंद आएगा, और आपके पुण्य बनते हैं, उससे ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। तो यहाँ परमात्मा में याद दिलाते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगा माही, जिस समय आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको पकड़ कर यम के दूत जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप जी को धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में खड़ा कर दिया जाएगा, जो काल का न्यायाधीश है, और वहाँ जाकर के आपसे पूछेंगे कि भाई निकाल क्या लाया गठड़ी में, दिखा तेरा परस, कितनी माया इकट्ठी करके लाया तू,
जो पूंजी लेकर गया था मनुष्य के श्वासों की, अब दिखा कितना कमा के लाया, फिर ये नीचे को मुंह कर लेगा ऐसे। पुण्यात्माओं, ये जब मनुष्य शरीर छूट जाता है उस समय इस प्राणी के साथ ऐसे बीतती है जैसे स्वप्न में। स्वप्न में क्या देखते हैं कई बार एक गरीब व्यक्ति, और क्या देखता कि कार में बैठा जा रहा है। एक बताओ था व्यक्ति, कहने लगा मैं आज सपने में ऐसा देखा कि जैसे कार में बैठा हूँ और कार चला रहा हूँ और ब्रेक लगाया, आगे एकदम कोई ऐसी स्थिति आ गई, ब्रेक लगाया, जोर से पैर मारा और रजाई फटी हुई थी उसकी, उस रजाई में पैर आर पार हो गया, फिर वह आँख खुल गई यानी निंद्रा भंग होगी, देखो तो वो पैर छोड़ जाया। फिर जब सोपन टूटा तो देखा ना कार और कुछ भी नहीं, और वो सपने में देख रहा खूब जोरते उसका पेटा है ना भर रहा। तो कहते हैं आज जो सुविधाएं आपके पास हैं और जिस समय ये आपकी शरीर छूट जाएगा उस समय आपका सपना सा टूटेगा, और यम के दूत बाजू पकड़ रहे होंगे, वो पावड़ जरा होगा टूटी हुई रजाई में, और कहेंगे चल बच्चा। अब उसका विश्वास सा नहीं बनता कि बेटा था, मेरी बेटी थी, कार थी, कोठी थी, कहाँ थी, चल अब बताएंगे तरीके थी। यहाँ बताते हैं कि ये सोपन जब टूट जाता है, जब इसका समझ मावहर कुछ भी ना था, मैं तो वैसे ही दुखी हो रहा था कार में, कदे ब्रेक लाऊं था, कदे गियर बदलूं था, और था कुछ भी को नहीं। तो ये जो आज आप देख रहे हो, जब सपना टूटेगा आपका, मृत्यु होगी, आपको ऐसा लगेगा अरे के था, कौन सा बेटा, कहाँ बेटी, कहाँ कोठी, कुछ भी नहीं था। अब समझ लेना सपने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, याद याद रह जाती है वो। तो धर्मराज के दरबार में जा करके इसको खड़ा कर दिया जाता है, फिर वो पूछता भाई निकाल, उसको तो मालूम तो होता ही सारा। तो फिर वो क्या बहाना मिलाता है, क्योंकि उसको याद आ जाती है कि मैं वायदा करके गया था भगवान से, हे परमात्मा जब इब के मनुष्य शरीर मुझे मिल जावे तो मैं सदा भगवान याद करूँगा, पेट के लिए थोड़ा बहुत कार्य भी करूँगा, लेकिन ज़्यादा समय मालिक तेरी याद में बिताऊँगा। अब मुझे सब याद आ गया है, उसने उसको पिछले पुण्यों जन्म जन्मांतरों के सारे दुख याद आ जाते हैं। और जब ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके वहाँ से चलता है, इसको बार बार समझाया जाता है कि अब के गलती मत करना, तो ये कहता नहीं जी, पीछे गलती बनी सो बनी, आगे नहीं करूँगा। माँ के गर्भ में भी इसको याद रहता है, माँ के गर्भ से बाहर आते ही इसके ऊपर तीनों गुणों का ऐसा एकदम प्रभाव बन जाता है, ये सब भूल जाता है, अचेत हो जाती आत्मा। इसको नए सिरे से पढ़ाई कराई जाती है, ये तेरा चाचा, ये तेरी चाची, ये माता, ये पिता, ये बुआ या माँ, ऐसे, और नए सिरे से इसको पढ़ाया जाता है। अब जब तक हम सत्संग में नहीं आते और सतगुरु नहीं मिलते, नकली संतों के सत्संग से भी लाभ नहीं, क्योंकि उनके पास ना नाम ना ज्ञान, उद्देश्य उनका अवश्य है कि हम सत्संग सुनावा, लेकिन सत्संग है ही नहीं उनके पास। आपने सुना था सत्संग में, आपको दिखाया था कल परसों, कल भी दिखाया था कि राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की सार्वचन वार्तिक, उसमें क्या लिखा है, इनके सतनाम का पता नहीं न है कि चीज़ कही, तो सतनाम हमारी जाती है, सतनाम सचखंड है, सतनाम सार शब्द है, सतनाम सतपुरुष है, सतनाम सतलोक है, और सार नाम भी यही है, सतनाम भी यही है। तो ये सत्संग है इनके, करोड़ों व्यक्ति वहाँ अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो सतगुरु के दरबार में आने से आपको ये ज्ञान होता है, सतगुरु के दरबार में
जाइयो बारंबारी भूली वस्तु याद दिलावे है सतगुरु दातारी। भूली वस्तु लखा जमे है सतगुरु दातार, हम जिस वस्तु को भूल चुके थे उसकी फिर याद दिलाई जाती है। अब नकली गुरुओं के पास यदि याद भी दिला दें तो भगवान की भक्ति करो तो उनके पास वो ट्रीटमेंट नहीं, उपचार नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं उनके पास, तो उनका ज्ञान भी व्यर्थ। पहले तो ज्ञान है ही नहीं, लेकिन इतना तो अवश्य बता देता है आम संत कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ना उन्हें परमात्मा का पता, ना उनको परमात्मा के पाने की विधि का ज्ञान, तो वो सत्संग भी सुना ना सुना बराबर। अब क्या बताते हैं, जब ये प्राणी दरबार में खड़ा होता धर्मराज के दरबार में, उसमें फिर इसे पूछा जाता है कि तू यहाँ से एक वायदा करके गया था, प्रतिज्ञा करके गया था कि अब के भक्ति करूँगा, बकवाद नहीं करूँ, तूने वो काम किया नहीं जो उद्देश्य लेकर गया था, तो ये जीव क्या कहता है वहाँ पर। ये न्यू बाना मिलाता है कि हे भगवान मुझे किसी ने बताया नहीं, वह तो भूल पड़ गई, किसी ने नहीं कहा भक्ति कर ले, किसी ने नहीं कहा राम नाम रटना चाहिए। तब परमात्मा क्या दिखाता है कि उसको कोई भक्त, जैसे आप जी अपने रिश्तेदार को, अपने भाई मित्र बहन सखी सहेली को, आप सबको कोशिश करते हो कि भगवान की भक्ति कर लो, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, आप खूब चेष्टा करते हो, और वो क्या करता है, वो क्या कहता है बहन या भाई कि मुझे समय नहीं, अभी समय नहीं है, फिर देखेंगे फिर देखेंगे, और पीछे तो औरों के सामने नू कहता है ये तो मेंटल हो लिए, तीसरे दिन बरवाड़ा बैठे रहते हैं, इनका तो नाश होगा। तो वो अपने आप में चतुर्गणे बन रहे हैं, तो नहीं सुनते हैं। फिर वो धर्मराज के दरबार में जब खड़े होते हैं तब ये बहाना मिलाते हैं कि जी हमें किसी ने हमारे को बताया नहीं, तो उस समय परमात्मा अपने उलाने में नहीं रहते, वो सब के पास संदेश भिजवाते हैं, चाहे कोई जंगल में रह रहा है किसी ना किसी माध्यम से, तो उस समय परमात्मा क्या करते हैं, वो उसकी वीडियो फिल्म मूवी शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में कोड वर्डों में पूरे जीवन की घटनाएं अंकित होती रहती हैं, उसको चित्रगुप्त बोलते हैं, चित्रगुप्त यानी साइलेंट फिल्म बनती रहती है गुप्त रूप में, और प्रत्येक प्राणी की है उसके पास असंख्यों जन्मों की अंदर कोड वर्डों में, जैसे आजकल आप देखते हो एक चिप है, छोटी सी चिप होती है मोबाइल में डालते हैं, और उसमें मन मन 50 घंटों का सत्संग विद्यमान होता है इतनी को, और ये तो एक मैन मेड और ये गॉड मेड, तो उसने तो पता नहीं के बना दे। तो कहने का भाव ये है कि अब परमात्मा के विधान को समझने के लिए हमने इस साइंस ने घनी सुविधा कर दी, अब हम यहाँ बोल रहे हैं सुन रहे हैं कहीं और, बीच में वायर भी नहीं तार नहीं, अब यहाँ से फैक्स करते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, फैक्स दूसरे के कंप्यूटर में पहुँच जाता है, ईमेल पहुँच जाती है, ये कैसे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने पहले ही प्रत्येक प्राणी के साथ ये सिस्टम अंदर ही फिट कर रखा है सबके, और यहाँ जो भी एक घटना आपकी होती है वो एक परमात्मा के कंप्यूटर में ऊपर वहाँ जा करके फैक्स रहती है डेली की। तो उस समय ये फिल्म चला देता है, उसका ट्रेलर दिखाता है बैकग्राउंड, अब देख ये भक्त आपको क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हो, ये नीचे गर्दन कर लेता है, उस समय इसके पास कोई गुंजाइश नहीं अगरम अगरम करने की। फिर ये क्या कहता है, जी गलती बन गई, गलती बन गई बन गधा, गलती की सजा देता हूँ मैं तो, अब फिर क्या रहा उसके पीछे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि आपको समाज से केवल सामाजिक क्रियाओं का ज्ञान ही हो सकता है, और सत्संग में आने से आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होगा। जैसे मन नेकी कर ले
दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुम कबीला, दो दिन का तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुम कबीला, दो दिन का तन मन का मेला। अंत काल उठ चले अकेला, ये तज माया मंडाण मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। अब परमात्मा कहते हैं तू नो पहचान कर ले, तेरा सच्चा मालिक कौन है, सच्चा साई कौन है। और फिर कहते हैं ये जो तेरे नाते हैं रिश्ते हैं ये तो अस्थाई हैं, आपको यहाँ एक लालच में भलो कर रखा हुआ है। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जात बरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। लख 84 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। लख 84 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। लख 84 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। लख 84 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। अपनात्मा हम बहुत ही अनजान हो चुके हैं, भगवान से दूर हो लिए, और हम इस काल के इन नकली चोचलों में घने रंगे जा चुके हैं। हम अपने परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे। अब परमात्मा आए, आप देखोगे इतना मोटा कबीर सागर है, कबीर साहब की वाणी, कबीर साखी न्यारी रहेगी, कबीर बीज का लगता है, और कबीर साहब की शब्दावली न्यारी। तो उस परमात्मा का उद्देश्य क्या था इतना थूक बिलोने का, क्योंकि वो हमारा पिता है और वो चाहता है कि अपने बच्चों को मैं ऐसा ज्ञान दे दूं ये मुझे पहचान लें। और परमात्मा को ना पहचान कर हम इस काल के जाल में असंख्य युगों से फंसे हुए हैं। अब इसमें के बताया है कि मन नेकी कर ले, तो दो दिन का मेहमान,
इस संसारिक सुख को संपत्ति को जोड़न में अपना जीवन नष्ट ना करे, और जो तुझे मिलना है वो निर्धारित कर रखा है पहले ही, इससे कम नहीं रहेगा ज्यादा नहीं मिलेगा तुझे। हम भगवान के विधान को भूल के और दुखी हो रहे हैं। हम किसी का कोई मान ले दो पैसे कमा रहा है तो ईर्ष्या बनती है कि ये क्यों कमा रहा है, फिर होड़ बनती है मैं भी कमाऊं, और आप कमाने लगे उसमें घाटा पड़ गया तो फिर दूसरा तरीका अपना होगा, कोई चोरी ठगी मिलावट का रिश्वत का, फिर उसका कितना भयंकर दुख उठाएगा। तो कहने का भाव ये है कि इस तरह की जो पीड़ाएं हमें हो रही हैं बिना ज्ञान के हो रही है। अब भगवान आकर के हमें क्या बताता है कि तेरी पत्नी और पुत्र, जोरू लड़का और ये कुटुंब कबीला, ये दो दिन का तेरे तन मन का मेला, और अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मंडान जो तूने बैंक बैलेंस बना दिए माया के ढेर लगा रखे हैं, एक सेकंड में छोड़ कर चला जाएगा, इसने पता नहीं किस पर दुरुपयोग करेंगे तेरे पुत्र, और दंड तने भोगना पड़ेगा जो इस पाप से पैसा जोड़ा। और फिर क्या बताते हैं, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। अरे हम घर से चलते हैं, जिस दिन किसी कारण से हम दूर देश जाना होता है दूसरे शहर में, तो जाने से पहले रात को रुकने की व्यवस्था कर लेते हैं कि कहाँ पर रुकेंगे, कुछ ना कुछ सोच के चलते हैं, चाहे ये सोच कर चलें होटल में रहेंगे, या ये सोच कर चलें कि वहाँ धर्मशाला में रहेंगे, या कोई मित्र रिश्तेदार का कोई एड्रेस ले लेते हैं, और संसार छोड़ कर चलते हैं हम, कोई एड्रेस लेकर नहीं चलते, ना कोई व्यवस्था पैसे जे में लेकर चलते कि वहाँ कुछ आगे जरूरत पड़ेगी। तो शरीर छोड़कर जाने के लिए जो करेंसी हमने ले जानी होती है वो पहले से ही उसके चेंज करानी पड़ती है करेंसी को। अब ये चेंज यहाँ पर वाला आश्रम होती है और कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी साधनाएँ शास्त्र विरुद्ध हैं, और यहाँ पर है आप धर्म पुण्य करते हो, ये आपकी करेंसी चेंज होगी, ये यहाँ तो आवे आवेगी, और इसका जब यहाँ संसार छोड़कर जाओगे आपको आगे रखी पाओगी आपके उस बैंक में भगवान वाले में। तो क्या बताते, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, कहाँ से आए थे तुम कोई पता नहीं, और शरीर छोड़ के फिर कहाँ जाएगा पता नहीं। तो ये इसको आत्मज्ञान कहते हैं। और क्या कहते हैं परमात्मा, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समाओगा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। अपन आत्माओं हम इतनी गहराई से सोचते नहीं भगवान के इस विचार को, वो क्या कहना चाहते हैं। अब कैसे बोलते थे परमात्मा, कहीं भी जाकर खड़े हो जाते थे कबीर परमेश्वर, और अपनी आवाज में परमात्मा अपनी अमृतवाणी को बोलना शुरू कर देते, जैसे ये शब्द आपको सुना रहा ये दास, इसमें कितना गहराई भरी हुई है। कहते हैं कि तू संसारिक व्यवहारिक लोगों से संपर्क में है, और वो तुझे केवल व्यवसाय की ट्रेनिंग ही दे सकते हैं, व्यवहारिक बातें ही बता सकते हैं कि कितने अच्छी आत्माएं हैं, लेकिन तुझको गुरु के बिना ये आत्मज्ञान कोई नहीं बता सकता। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। अपने आत्माओं ये शब्द गान के नहीं, ये रोन के हैं। अब ये गाना नहीं है, जैसे किसी का पुत्र मर जाता है और वो माई रो रही होती है और वो गा भी रही होती है, लेकिन वो गा नहीं रही उस समय, वो रो रही होती है उस गाने के माध्यम से। तो यहाँ परमात्मा रो रहे हैं हमारे को कि तू कहाँ इस संसारिक व्यवहारिक बातों में सारा जीवन नष्ट कर रहा है, तुझे गुरु के बिना कौन बताओगा, तू कौन है, कहाँ से आया, उद्देश्य क्या था तेरा, आखिर तुझको कौन कहेगा।
गुरु बिन आत्मज्ञान है। और उसके निकट नहीं जा रहे तुम, आप देखते हो कितने व्यक्ति सत्संग में आते हैं, बाकी सारे अपने पेट के लिए दिन रात बस दौड़ धूप मचा रहे हैं। और ये सौभाग्य आपका कि आप गुरु का ज्ञान सुनने को मिल गया। ये नकली गुरु हैं तभी बात ना बनती। परमात्मा के सामने इस काल ने कितनी कठिनाई पैदा करी, झूठे गुरु भेज दिए, नकली ज्ञान बतावें, नकली नाम बतावें, और ये भोली आत्मा उनको परम धनी मान के, पूर्ण गुरु मान करके आंखें बंद करके बैठे श्रद्धालु। अब उनको कहते हैं कि तुम्हारी साधना गलत है, वो नाराज हो जाते हैं और लड़ने को उतारू हो जाते हैं। अब भोली आत्मा है, उन्होंने तो उनको पूर्ण संत मान रखे है, उनको कह कहेगा पता नहीं। तो पुण्यात्माओं, यदि आप किसी मार्ग पर जा रहे हो, आगे से आपको कोई कहता कि मार्ग ठीक नहीं आपका, तो बुद्धिमान व्यक्ति को वहां रुक जाना चाहिए, उसकी बातों पर कुछ जोर देना चाहिए, उसके साथ झगड़ा नहीं करा कि तू झूठ क्यों बोल रहा है, क्यों गलत बता रहा है मेरे मार्ग को। इसमें लड़न की के बात से भाई, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं सही जा रहा हूं तो चला गया, इसने जैसा कहा उसको आपको बता दिया, भी अगर रास्ता ठीक नहीं तेरा यू, तो उसके साथ झगड़ा नहीं करना होता, कोई भी ना करता ऐसे तो, बल्कि विचार करता आदमी कि सचमुच इसने क्यों ऐसा कहा भाई, पता तो करें, कारण पूछे, फिर वो कारण बतावे, उससे ना यकीन हो दूसरे से पूछे, तीसरे से पूछे, तो जब फाइनल हो जाए उस मार्ग पर फिर चलना चाहिए। और इसी में यही बुद्धिमता है। तो पुण्यात्मा, दास बार बार कह रहा है कि ना तो राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ वालों के पास मोक्ष मार्ग नहीं है, ये जीवन नाशक हैं ये बिल्कुल, इनके नाम भी गलत, इनका ज्ञान भी गलत, और इनके प्रवर्तक की आपको दिखा दी तो शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई कमरिया, शिवदयाल जी की मरने के बाद वो भूत बन गया और वो बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी, और एक और वो उनके बाबूजी साहब उसकी हिस्ट्री पढ़ लो तो वो कितने जनते भुगत का मरिया। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कहते संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। यहाँ ब्रन मिट्टी हो लेगी संसार में, वो भूत बन के बुक्की में बोला है। और आगे कहते जम तोड़े छाती, यम के दूत बकलता रहेंगे।